हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंड कला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए इस तरह का झूमर का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और इस तरह के झूमर से दिवाली पर आप अपने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसे बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस झूमर को बनाने के लिए यहाँ पर टोटल 5 रिंग का यूज़ हुआ है, जिसमें से सबसे छोटा ये 4 इंच का है, उसके बाद 6 इंच, फिर से 8 और सबसे लास्ट में ये 10 इंच का रिंग का यूज़ हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये क्रीम कलर के मैक्रम का यूज़ किया है और मोती में मटका मोती का यूज़ किया है, दो कलर में पिंक है और ग्रीन है। बेल्स भी उसी के अकॉर्डिंग है, पिंक और ग्रीन। लाइटर है और सीजर। सबसे पहले यहाँ पर 12 कोड लेंगे और ये सभी कोड की लंबाई 4 मीटर रखेंगे, 4 मीटर में कट करेंगे और ये सभी कोड को एक साथ यहाँ पर ये जो हुक लिया है इसमें एंटर करके और अटैच कर लेंगे। पहले सभी कोड को इस रिंग में एंटर करने के बाद इक्वल साइज में यहाँ पर एंटर कर लेंगे और फिर से ये सभी कोड को एक साथ यहाँ पर बाइंड करना है। तो ये देखिए, बाइंड करने के लिए यहाँ पर 1 मीटर का एक्स्ट्रा कोड लेंगे और इस कोड से ये सभी कोड को बाइंड कर देंगे। पहले यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद अब जो ये बड़ा वाला कोड है, इस कोड से इस तरह से ये सभी कोड को बाइंड करेंगे। पूरा ही ऊपर में इस तरह से कवर करते हुए नीचे जब आएंगे तो इसके लास्ट पॉइंट को एक राउंड में अंदर से इस तरह से देखिए एंटर करके और ये टाइटली खींच देंगे और फिर उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट जो है इसे यहाँ पीछे लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे। इस तरह से पीछे लाइटर की हेल्प से चिपकाने के बाद अब ये सभी कोड को यहाँ खींच के अच्छे से बराबर कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ देखिए, दो कोड में एक मोती अटैच करेंगे, सभी दो दो कोड लेंगे और उसमें एक मोती को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन मोती का यूज़ किया है। तो देखिए, पहले दो कोड लिया और फिर इसमें ये ग्रीन मोती का यूज़ किया है। इसी तरह से दो दो कोड लेते हुए मोती को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मोती को अटैच कर लेना है। दो कोड में एक मोती को अटैच किया है तो इसी तरह से देखिए, पूरे ही राउंड में मोती को अटैच कर लिया। इतना अटैच करने के बाद अब यहाँ पर रिंग को अटैच करेंगे। तो ये जो 4 इंच का रिंग लिया है इसे यहाँ पर अटैच करना है। तो सबसे पहले सभी कोड को इस रिंग के अंदर एंटर करना है। रिंग को एंटर करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर कवर किया है सभी कोड को, वहाँ से लेकर के जितनी दूरी आप इस रिंग को जितनी दूरी पर लगाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का गैप दिया है और उसके बाद यहाँ पर रिंग को अटैच किया है। तो 2.5 इंच के गैप पर यहाँ बीच में 2.5 इंच का गैप देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस रिंग को अटैच कर लेंगे। तो वही पाइपिंग लगाते हुए रिंग को अटैच करना है। इसी तरह से 1 बाई 1 करके सभी जितने भी कोड हैं पाइपिंग लगा देंगे, जिससे ये रिंग अटैच हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये गैप जो है वो इक्वल साइज में रखेंगे पूरे ही राउंड में।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रिंग को अटैच कर लेना है सभी कोर्ड से पाइपिंग की हेल्प से। और फ्रेंड्स, रिंग को अटैच करने के बाद यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह गया है, तो मैं क्या करूँगी कि दोनों तरफ से वन वन टाइम ये दो दो कोर्ड से पाइपिंग लगा दूंगी, जिससे ये रिंग कवर हो जाएगा। जैसे ये एक मोती का दो कोर्ड है तो उसे अटैच किया, उसके बाद उसके साइड में एक और पाइपिंग लगा देंगे दोनों कोर्ड से, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में। तो ये देखिए इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे, जिससे ये रिंग कवर हो जाएगा जो बीच में गैप है। तो उसी तरह से सभी कोर्ड के साइड में पाइपिंग लगा लेते हैं। इस तरह से रिंग को कवर कर लिया पाइपिंग लगा के, और फिर उसके बाद जिस कोर्ड में मोती को अटैच किया है नीचे भी, वही दोनों कोर्ड में मोती लगा लेंगे सभी कोर्ड में राउंड में। नीचे साइड में मैंने ये पिंक मोती का यूज किया है। नीचे के तरफ ये पिंक मोती लगाने के बाद अब यहाँ पर जिस तरह से ऊपर में ये रिंग जो लगाया है यहाँ से, और ये ऊपर जो बाइंड किया यहाँ तक 2.5 इंच का गैप दिया था, तो ठीक उसी तरह नीचे भी यहाँ 2.5 इंच का गैप देते हुए जिस तरह से यहाँ सभी कोर्ड को बाइंड किया है नीचे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक 1 मीटर का कोर्ड लेंगे और ये सभी कोर्ड को एक साथ इस तरह से लेंगे और यहाँ पर एक पहले नोट लगाएंगे 1 मीटर के कोर्ड से। नोट लगाने के बाद अब ये जो बड़ा वाला कोड है इससे पूरे ही रिंग को इस तरह से जैसे ऊपर की तरफ बनाया था बाइंड करते हुए, नीचे भी उसी प्रोसेस से सभी कोड को एक साथ कवर कर लेंगे। इस तरह से नीचे के साइड में भी यहाँ पर सभी कोर्ड को एक साथ कवर कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर 2.5 इंच का गैप ऊपर में दिया है और 2.5 इंच का गैप नीचे में दिया है, और देखिए ये इक्वल साइज़ में इस तरह से बाइंड हो गया है। नीचे की तरफ के डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 कोर्ड लेंगे और यहाँ एक पहले नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद अब जो बीच का 2 कोड है इसमें मोती एंटर करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले ग्रीन मोती का यूज किया। मोती को एंटर करने के बाद फिर से यहाँ पर एक नोट लगा लेना है। और फिर से यहाँ पर एक पिंक मोती का यूज करेंगे। और फिर से यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर मोती को अटैच करते हुए एक यहाँ पर पट्टी तैयार करनी है। तो देखिए फिर से यहाँ पर एक ग्रीन मोती का यूज़ करेंगे और फिर से पिंक मोती का, 4 मोती का यूज़ करना है एक पट्टी बनाने में। तो ये देखिए इसी तरह की पट्टी को तैयार करने हैं पूरे ही कोर्ट से, यानी 4 कोर्ट से इस तरह की एक पट्टी तैयार हुई। तो उसी तरह फिर उसके बगल से 4 कोर्ट लेंगे और पहले नोट लगाएंगे और फिर मोती को एंटर करते हुए इस तरह से पट्टी तैयार कर लेते हैं पूरे ही राउंड में।
इस तरह से यहाँ पर ये पट्टी तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये सिक्स पट्टी बना है। इतना बनाने के बाद अब यहाँ नीचे में सिक्स इंच का जो रिंग है उसे अटैच कर लेंगे। ये सिक्स इंच का रिंग है, इसे यहाँ पर जिस तरह से ये अटैच किया था फोर इंच का पाइपिंग लगाते उसी तरह इसे भी अटैच करेंगे। रिंग को इस तरह से अटैच करने के बाद अब जो ये जितने भी गैप हैं इसमें कोट को अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गैप है इसमें कोट को अटैच करना है, तो एक गैप में दो कोट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सिक्स गैप हैं, तो यहाँ पर 12 कोट का ज़रूरत है। और मैंने दो दो मीटर के कोट को कट किया है और एक एक गैप में दो कोट को अटैच करना है। तो यहाँ पर पीछे मैंने कर लिया है, बाकी कैसे करना है अटैच बताती हूँ। इस तरह से दो मीटर के कोट को लेना है, बीच से इक्वल साइड में फोल्ड करेंगे और इस तरह रिंग के नीचे से कोट को रखेंगे और फिर एंटर कर लेंगे। ये देखिए कोट अटैच हो गया। अब दोनों ही तरफ वन टाइम पाइपिंग लगा देंगे, दोनों तरफ के कोट से, एक बार राइट की तरफ से और एक बार ये लेफ्ट की तरफ से। इसी तरह से दूसरे कोट को भी यहाँ अटैच कर लेंगे। कोट को नीचे से ही एंटर करेंगे और फिर वन टाइम राइट की तरफ से कवर करेंगे और वन टाइम लेफ्ट की तरफ से। इसी तरह से ये जो गैप है यहाँ भी दो कोट को अटैच कर लेते हैं। सभी कोट को रिंग में अटैच करने के बाद अब यहाँ पर एक लाइन नोट लगा लेंगे, फोर कोट लेंगे और एक लाइन इसी तरह से फोर फोर कोट से नोट लगाना है। तो ये देखिए फोर कोट लिया और ये नोट लगा लिया। इसी तरह से पूरे ही रिंग में पहले एक लाइन नोट लगा लेना है। इस तरह से पूरे ही रिंग में नोट लगा लेना है। एक लाइन नोट लगाने के बाद अब देखिए ये जो दो नोट है इसके बीच में जो दो कोड है इसमें मोती अटैच करेंगे। एक लाइन पूरा ही दोनों कोड में मोती अटैच करेंगे और फिर से मोती वाले कोड को लेते हुए नोट लगा लेंगे। एक लाइन मोती लगा के पाइपिंग फिर से लगा लेना है और उसके बाद अब फिर यहाँ से पिंक मोती अटैच करेंगे। जिस तरह से ये ग्रीन मोती को अटैच किया है उसी तरह से अब ये दो कोड में पिंक मोती अटैच करेंगे और फिर से एक लाइन नोट लगा लेंगे। तो इसी तरह से दो लाइन मोती लगाना है और तीन लाइन नोट लगाना है, एक सबसे फर्स्ट टाइम, उसके बाद मोती लगा के, फिर उसके बाद तीसरी बार भी मोती लगा के नोट लगा लेना है। तो यहाँ पर भी मोती लगा के नोट लगा लेते हैं एक राउंड।
पिंक मोती लगा के यहाँ पर देखिए एक लाइन नोट लगा लिया है और पूरे ही रिंग में पिंक मोती अटैच हो गया है। अब इसके बाद नीचे जो कोड है यहाँ पर फिर से एक लाइन नोट लगा देंगे, मोती अटैच नहीं करना है, बस सिंपल इसी तरह से पूरे ही रिंग में एक लाइन और नोट लगा देना है। तो उसी तरह से दोनों तरफ के दो दो कोड को लेना है और फिर से यहाँ पर नोट लगा लेंगे एक लाइन। इस तरह से यहाँ पर नीचे में दो लाइन नोट लगाना है। अब इतना नोट लगाने के बाद अब यहाँ से फोर कोड लेना है और यहाँ पर फिर से पट्टी तैयार करनी है। तो पहले यहाँ पर देखिए ये फोर कोड लेंगे और इसमें नोट लगाएंगे, देखिए एक नोट लगाया, इसी तरह के यहाँ पर फोर नोट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोर नोट लगाने के बाद अब यहाँ पर मोती लगाते हुए नोट लगाएंगे। तो इसी तरह की पट्टी यहाँ पर तैयार करनी है, फोर नोट लगाया, अब यहाँ पर मोती लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने ग्रीन मोती का यूज़ किया है, ग्रीन मोती लगाएंगे और फिर से यहाँ पर देखिए एक नोट लगा दिया, फिर से ग्रीन मोती लगा के नोट लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर तीन मोती का यूज़ किया है, तीन मोती लगाए हैं और ऊपर में फोर नोट और नीचे फोर नोट। तो इसी तरह से पट्टी तैयार करनी है। फिर इसके बाद इसके बगल से देखिए फोर कोड लेंगे और इसमें भी फोर नोट लगाएंगे और फिर तीन मोती लगाएंगे और फिर नीचे फोर नोट। तो इसी तरह की पट्टी पूरे ही कोड से तैयार कर लेना है। इस तरह की पट्टियाँ पूरे ही रिंग में देखिए तैयार कर लेनी है सभी कोड से। पट्टी तैयार करने के बाद अब यहाँ नीचे रिंग को अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 8 इंच का जो रिंग है इसे यहाँ पर अटैच करना है। तो जिस तरह से ऊपर अटैच किया है उसी तरह से नीचे भी रिंग को अटैच करेंगे। सभी कोड से एक एक करके पाइपिंग लगाते हुए रिंग को अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से रिंग को अटैच कर देना है और रिंग को अटैच करने के बाद अब जो ये गैप है तो इसमें कोड को अटैच करेंगे। ये सभी जो गैप है इसमें दो दो कोड को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए टोटल 24 कोड को कट किया है और ये सभी कोड की लंबाई 2 मीटर है, यानी एक कोड की लंबाई 2 मीटर और 24 कोड है ये। और इसमें से दो कोड लेंगे और ये जो गैप है इसमें अटैच करेंगे, फिर से उसके बाद दो कोड लेंगे और इस गैप में अटैच करेंगे। इसी तरह से दो दो कोड को इस गैप में अटैच कर लेंगे। कोड को अटैच करने के लिए इस तरह से इक्वल साइज में पहले फोल्ड करेंगे
और रिंग के नीचे इस तरह से रख के कोड को एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद वन टाइम राइट की तरफ से पाइपिंग लगाएंगे और सेकेंड टाइम लेफ्ट की तरफ से। एक कोड अटैच हो गया, अब इसके बाद दूसरे कोड को भी इसी तरह से अटैच करेंगे। इक्वल साइज में पहले फोल्ड करेंगे और फिर रिंग के नीचे से कोड को रखना है और इस तरह से अटैच करना है। अटैच करने के बाद वन टाइम राइट की तरफ से पाइपिंग लगा लेंगे और सेकेंड टाइम ये लेफ्ट की तरफ से पाइपिंग लगा लेंगे। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर कोड अटैच हो गया। तो इसी तरह से ये जितने भी गैप हैं इसमें कोड को अटैच कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए सभी कोड को अटैच कर लिया है। कोड को अटैच करने के बाद अब यहाँ एक लाइन नोट लगाएंगे पूरे ही रिंग में। तो फोर कोड लेंगे, पहले जो अटैच किया है वो फोर कोड यहाँ पहले नोट लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन नोट लगा के कंप्लीट किया है पूरे रिंग में। एक लाइन नोट लगाने के बाद अब यहाँ नीचे मोती लगा के नोट लगाना है। ये जो डिज़ाइन ऊपर में बनाया है इसी डिज़ाइन को यहाँ भी रिपीट करना है। जैसे दो लाइन मोती लगाया यहाँ पर देखिए ग्रीन और पिंक, और उसी तरह से नीचे भी दो लाइन मोती लगा के नोट लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर एक लाइन नोट लगाने के बाद अब ये जो दो कोड हैं इसमें मोती अटैच करेंगे ग्रीन मोती, और फिर से साइड से दो कोड लेकर के यहाँ पर नोट लगा देंगे। और इसी तरह से पूरे ही रिंग में ये दो कोड में मोती अटैच करके नोट लगा देंगे, मतलब इसी तरह पूरे लाइन को तैयार करना है। तो ये दो कोड लिया और इसमें पहले ग्रीन मोती अटैच करेंगे। मोती को अटैच करने के बाद यहाँ पर नोट लगाएंगे। इसी तरह उसके बगल में भी ठीक इसी तरह से मोती लगा के नोट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से ये डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं एक लाइन। और फ्रेंड्स जब ये नोट लगाएंगे तो जिस तरह ऊपर में टाइटली नहीं लगाया है उसी तरह से हल्के हाथों से नोट यहाँ भी लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। तो इसी तरह ये डिज़ाइन तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एक लाइन ये नोट लगा के कंप्लीट किया मोती के साथ। अब नीचे भी उसी तरह से जैसे ये पिंक मोती लगा के नोट लगाया है तो ठीक उसी तरह नीचे भी ये देखिए दो कोड लेंगे यहाँ पर फिर से, और इसमें पिंक मोती अटैच करेंगे और नोट लगाएंगे, यानी दो लाइन मोती लगा के कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से नीचे पिंक मोती लगा के एक लाइन नोट लगा लिया है, और इसके बाद अब नीचे फिर से एक लाइन नोट लगा लेंगे और इस बार मोती नहीं लगाएंगे। इसी तरह से एक बार और एक लाइन नोट लगाना है, जिस तरह से देखिए ऊपर में ये नोट लगाया था पिंक मोती लगाने के बाद नोट और फिर उसके बाद एक लाइन नोट। तो इसी तरह से नीचे भी अब एक लाइन नोट पूरे ही राउंड में लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे एक लाइन और नोट लगाने के बाद इस तरह की पट्टी बनानी है जिस तरह से ये ऊपर डिज़ाइन में बनाया है, तो उसी तरह नीचे भी बनाएंगे। बस यहाँ पर ये जो पट्टी बनाएंगे तो थोड़ी सी ये ऊपर वाले से थोड़ा बड़ा बनाना है। जैसे ऊपर में ये देखिए यहाँ पर ऊपर फोर नोट लगाया है 1 2 3 4, तो नीचे यहाँ पर 6 नोट लगाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसी तरह से पहले 6 नोट लगाएंगे। फोर कोड लेना है, फोर कोड लेके और पहले 6 नोट लगा लेंगे। सिक्स नोट लगाने के बाद अब फिर से ये मोती को एंटर करेंगे और नोट लगाएंगे। तीन मोती को एंटर किया है और नोट लगाया है, और फिर नीचे भी
तीनों मोती के नीचे सिक्स नोट यहाँ भी लगा लेना है, यानी सिक्स नोट ऊपर और सिक्स नोट नीचे। तो इसी तरह से मैंने ये सभी पट्टियाँ बना के तैयार कर ली हैं। बाकी के जितने कोड हैं इसमें भी इसी तरह की पट्टी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पट्टी बना के तैयार कर लिया है पूरे ही रिंग में। पट्टी बनाने के बाद अब यहाँ पर एक 10 इंच का जो रिंग लिया था उसे अटैच करेंगे। तो जिस तरह से ये दोनों ही रिंग अटैच हुआ है उस तरह से इसे भी अटैच करेंगे। तो सभी कोड को इसके अंदर इस तरह से एंटर करते हैं और ये देखिए एक एक करके पाइपिंग लगाते हुए इस रिंग को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से ये बारी बारी करके ये जितनी भी पट्टियां हैं इसके कोड से ये रिंग को अटैच कर लेना है। इस तरह से रिंग को अटैच कर लेना है। रिंग को अटैच करने के बाद अब जो दो पट्टी के बीच में देखिए यहाँ पर हल्का हल्का गैप है, तो इस गैप में कोड को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 24 कोड को कट किया है और सभी कोड की लंबाई 1/2 मीटर है। तो पहले एक कोड लेंगे और इसे बीच से डबल फोल्ड करके ये जो गैप है इसमें अटैच कर देंगे। इस तरह नीचे से एंटर करते हुए कोड को रिंग में अटैच करना है। एक कोड अटैच किया, उसके बाद अब जो दूसरा गैप है इसमें एक कोड अटैच करेंगे। इसी तरह से ये सभी कोड हैं जितने भी 24 कोड हैं इनको इसमें अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 कोड को अटैच कर लिया है ये सभी गैप में। कोड को अटैच करने के बाद अब यहाँ पर नोट लगाएंगे। तो एक लाइन पूरा ही राउंड रिंग में नोट लगा लेना है। तो 4 कोड लेंगे और नोट लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ये नोट लगा के कंप्लीट किया। नोट लगाने के बाद अब जिस तरह से ऊपर के ये दो डिज़ाइन बनाए हैं मोती लगा करके नोट लगाया है ग्रीन और पिंक में ये दोनों ही, उसी तरह से यहाँ नीचे भी पहले ग्रीन मोती लगाएंगे और फिर नोट लगाएंगे और फिर उसके बाद पिंक मोती लगा करके नोट लगा लेंगे। तो दो लाइन कंप्लीट कर लेंगे ये ऊपर जिस तरह से बनाया है ये डिज़ाइन को, उसी तरह यहाँ भी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो लाइन ये मोती लगाने के बाद यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाना है इसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ देखिए ऊपर की जो डिज़ाइन को बनाया था तो यहाँ पर पिंक मोती जब लगाया तो उसके बाद दो लाइन नोट लगाया, उसके बाद ये पट्टी की डिज़ाइन को बनाया था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि पिंक मोती के बाद एक ही लाइन नोट लगाएंगे और उसके बाद इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर 5 मोती के कोड का यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले 5 मोती का कोड ले लिया है और 5 मोती के जितने भी कोड हैं उससे इस डिज़ाइन को बना के रेडी किया है। 1, 2, 3, 4, 5 ये डिज़ाइन रेडी हो गया। उसके बाद उसके बगल के दो कोड हैं, दो मोती उसके कोड को छोड़ देंगे, इससे डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद दो मोती के बगल में 5 मोती के कोड हैं उसको लेंगे और फिर से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको देखिए, 4 डिज़ाइन को मैंने बना के यहाँ पर रेडी किया है। एक ये हो गया फर्स्ट, ये उसके बाद दो मोती के कोड को छोड़ दिया, फिर से सेकंड इस डिज़ाइन को बनाया, फिर से यहाँ पर दो मोती के कोड को छोड़ा है, फिर से ये तीसरे डिज़ाइन को बना लिया और फिर से दो मोती के कोड को छोड़ा और फिर से चौथी डिज़ाइन को बना के रेडी किया है। और फिर इसके बाद दो मोती के कोड को छोड़ेंगे और फिर से यहाँ पर 5 मोती के कोड को
ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इसके जितने भी कोड हैं इसको ले लेना है और इसका इन कोड का ये डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए 5 मोती के कोड को ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 मोती के कोड बच रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो मोती है इसके कोड को कट करके पीछे लाइटर की हेल्प से यहाँ चिपका देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 मोती को कोड को छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर ये डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा और फिर इस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो पहले इसे कट करके पीछे लाइटर की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसके कोड को कट करके यहाँ पीछे चिपका लिया है और इसके बाद अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो 2 मोती को कोड को छोड़ दिया राइट साइड में और 2 मोती को कोड को छोड़ा लेफ्ट साइड में और यहाँ पर देखिए ये 5 मोती को कोड को लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 नोट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखिए साइड से 2 कोड को छोड़ेंगे और यहाँ पर 4 नोट लगा लेंगे। फोर नोट लगाने के बाद अब फिर से उसके 2 कोड को छोड़ेंगे साइड वाले और फिर यहाँ नीचे भी लेफ्ट साइड में भी 2 कोड को छोड़ के यहाँ पर 3 नोट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर नोट लगा लेना है, पहले 5 नोट फिर 4, 3, 2, 1 इस तरह से नोट लगा लेना है ट्रायंगल शेप में। उसके बाद ये देखिए राइट से 1 कोड लेंगे और ये जो हाफ है लास्ट ये जो नोट है इससे हाफ हाफ कोड कर लेंगे, हाफ लेफ्ट साइड में और हाफ कोड राइट साइड में। और फिर उसके बाद राइट साइड का सबसे देखिए फर्स्ट वाला 1 कोड लेना है और इस कोड के ऊपर राइट साइड के जितने कोड हैं इससे पाइपिंग लगा लेंगे, राइट साइड की तरफ भी पाइपिंग लगाएंगे और इसी तरह से लेफ्ट साइड से भी 1 फर्स्ट का कोड लेंगे और लेफ्ट साइड के जितने कोड हैं उससे लेफ्ट साइड की तरफ पाइपिंग लगा लेंगे। तो पहले दोनों तरफ ही इस तरह से पाइपिंग लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों ही तरफ पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद अब इधर देखिए 1 ऊपर का ये जो फर्स्ट कोड है इसे छोड़ देना है और 2 कोड में 1 मोती अटैच करेंगे, फिर से उसके बगल के 2 कोड में 1 मोती अटैच करेंगे। तो जिस तरह से देखिए 1 मोती अटैच किया है, पहले ग्रीन फिर पिंक फिर ग्रीन पिंक और ग्रीन, तो इसी तरह से यहाँ भी मोती को अटैच करना है। तो 1 कोड को छोड़ देंगे और उसके बाद के 2 कोड को लेंगे और इसमें 1 ग्रीन मोती को अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों ही साइड में मोती को अटैच कर लेना है। मोती अटैच करने के बाद अब फिर से देखिए ये हाफ कोड जो है ये लेफ्ट साइड में रखेंगे और हाफ कोड को राइट साइड में और फिर से जिस तरह से ऊपर में पाइपिंग लगाया है उसी तरह नीचे भी पाइपिंग लगाएंगे। तो ये जो कोड को छोड़ा है इसी कोड को देखिए टर्न करना है और राइट साइड के जितने भी कोड हैं इससे इसके ऊपर पाइपिंग लगा लेंगे।
जिस तरह से ये राइट साइड में पाइपिंग लगाया ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी पाइपिंग लगाएंगे। ये जो कोड ऊपर में छोड़ा है इसे भी टर्न करेंगे और इसके साइड के जितने भी कोड हैं उसे पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से एक लाइन पाइपिंग लगाने के बाद इसके ऊपर एक और पाइपिंग लगाना है। तो देखिए यहाँ से फिर से एक कोड को टर्न करेंगे और राइट के तरफ राइट के कोड से पाइपिंग और लेफ्ट के तरफ के कोड को भी टर्न करके लेफ्ट के तरफ के कोड से इधर पाइपिंग। तो इस पर डबल पाइपिंग लगा लेते हैं। दोनों तरफ डबल पाइपिंग करने के बाद अब देखिए बीच में ये फोर कोड हो गए हैं। तो ये जो बीच के दो कोड हैं इसमें मोती अटैच करके यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। नोट लगाने के बाद अब ये जितने भी कोड हैं साइड में इसे कट करेंगे और बेल्स लगा देंगे। जिस तरह से एक बेल को अटैच किया उसी तरह से ये सभी कोड में बेल को अटैच करेंगे और इतने ही लंबाई में कट कर देंगे और अटैच कर देंगे लाइटर की हेल्प से। तो इसी तरह से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ बेल से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है और इसी तरह से ये बाकी सभी डिज़ाइन को भी इसी तरह से बनाया है ये देखिए। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अब जो कोड छोड़ा था दो मोतियों का कोड तो अब इसका डिज़ाइन को बनाना है। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे के डिज़ाइन को बनाने के लिए ये जो जितने भी कोड को छोड़ा है इन सभी कोड को बीच में इस तरह से एक साइज में इक्वल करना है और एकदम बीचों बीच में यहाँ पर इन सभी कोड को एक साथ यहाँ पर बांध देना है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर हाफ मीटर से थोड़ा ज़्यादा एक कोड लिया है और इस कोड से ये सभी कोड को एक साथ यहाँ पर इक्वल साइज़ में बीच में ही रखेंगे और उसके बाद इस कोड से इसे बांध देंगे। इस तरह से बीचों बीच में ये सभी कोड को बांध लेंगे और जिस तरह से ऊपर में राउंड राउंड ऐसे पाइपिंग लगाया है उसी तरह यहाँ नीचे भी लगा देंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर टाइटली गांठ लगा के कट कर देंगे और इस कोड को चिपका देंगे लाइटर की हेल्प से इसे चिपका देंगे। इसे चिपकाने के बाद अब जो ये सभी कोड हैं इसे अच्छे से एक साइज़ में टान के बराबर कर लेंगे इक्वल साइज़ में कर लेंगे। देखिए इस तरह से गोलाई में सभी कोड को एक साथ गांठ लगाने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये पूरे ही राउंड में फाइव नोट लगाना है। ऊपर के कोड को लेना है और फाइव नोट लगाना है। फोर कोड लेंगे और देखिए इसमें पहले एक मोती अटैच करेंगे बीच के कोड में दोनों में और फिर एक नोट लगाएंगे। मोती लगाया और इसके बाद साइड के दो कोड को लेकर के यहाँ पर नोट लगा दिया। फिर उसके बाद उसके बगल से फोर कोड लेंगे और यहाँ भी मोती अटैच करके नोट लगा देंगे। इस तरह से देखिए दो नोट लगा लिया। फिर से इसे घुमाते हुए फिर उसके साइड से फोर कोड लेंगे और यहाँ भी मोती अटैच करके नोट लगा लेंगे। इसी तरह बाकी के दो और नोट लगा लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मोती अटैच करके पूरे ही राउंड में 5 नोट लगा लिया है। और 5 नोट लगाने के बाद फ्रेंड्स, ये जो बीच के कोड हैं जिनमें नोट नहीं लगाया है, इसे ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ नोट नहीं लगाना है। बस इसी के, ये सभी जो नोट हैं इसी के राउंड में ही ये नोट कंटिन्यू बनाना है। तो जितना दूर तक आप बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा लंबा या छोटा उतना इस डिज़ाइन को बनाएंगे। और ये सभी कोड को बीच में ही रखेंगे, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। और इसके ऊपर से नोट लगाते हुए कवर करना है इसे। तो पहले यहाँ पर इसे बना लेते हैं इस डिज़ाइन को। तो देखिए, पहले पिंक मोती अटैच किया, नोट लगाया, अब यहाँ पर ग्रीन मोती अटैच करके नोट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर ये नोट लगा लिया है मैंने, और ये टोटल 9 लाइन है ये नोट। इस तरह से नोट लगाने के बाद अब देखिए, यहाँ पर एक ही कोड के ऊपर पाइपिंग लगाना है। तो कोई भी एक कोड लेंगे और इस कोड के ऊपर जिन जिन कोडों से ये नोट लगाया है उसी कोड से सिर्फ राउंड के तरफ ऐसे इसको राउंड करते हुए कोड को, और इसी कोड के ऊपर सभी कोड से पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए, पहले इसको राउंड किया और फिर से ये जो नोट लगाया है इसका कोड लेके इसके ऊपर डबल पाइपिंग कर देंगे। फिर उसके बाद वाले कोड से पाइपिंग लगा देंगे। इसी तरह से राउंड में पाइपिंग लगा लेना है, और जो नोट के कोड है सिर्फ उसी से ही पाइपिंग लगाना है। इस तरह से जो नोट के जो कोड है उससे पाइपिंग लगा लेना है। यहाँ तक पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, किसी भी एक कोड से यहाँ पर पाइपिंग लगा देंगे, जिससे कि ये पूरा ही राउंड हो जाएगा और इस तरह से बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जिस कोड से पहले पाइपिंग लगाया था इसी कोड से ये लास्ट पाइपिंग इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से देखिए, पाइपिंग कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही यहाँ पर ध्यान देना है कि जिस कोड से नोट लगाया है तो उसी कोड से पाइपिंग करेंगे, अंदर के कोड का यूज़ नहीं करना है पाइपिंग लगाने में। ये अंदर वाले कोड अंदर ही रहेंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे यहाँ लास्ट में। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर कोड को कट करेंगे और बेल्स लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये यहाँ पर नीचे ये झूमर का डिज़ाइन कंप्लीट किया है बेल्स लगा के। यहाँ पर देखिए, 3 लाइन में ये बेल्स लगाया है, ऊपर में ये पिंक वाले हैं, नीचे ग्रीन और सबसे नीचे पिंक। यहाँ पर 3 पीस में पिंक है सबसे नीचे, 6 पीस में है ग्रीन, और ऊपर में 9 पीस में है ये पिंक वाले। और ये देखिए, इस तरह से झूमर बन के रेडी हुआ है।